إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضرين جمعة आपने बहुत देखा होगा इस्तकबाल रमज़ान लिखा हुआ या तकरीरों का उन्वान। तो सबसे पहले ये जान लें कि इस्तकबाल रमज़ान के उन्वान से कोई ऐसी मखसूस इबादत और कोई ऐसा मखसूस अमल और इस नाम से कोई ऐसा मखसूस लफ्ज़ नहीं है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा मफहूम ये है कि हम रमज़ान के आने से पहले खुश हों और रमज़ान में इबादत की तैयारी करें। तो इस तरह से बहुत सारे अल्फाज आप बोल सकते हैं, फिर आप रमज़ान की तैयारी कैसे करें, रमज़ान की तैयारी के लिए नियत, रमज़ान के लिए खुशी, इस्तकबाल रमज़ान, फिर ये तमाम सारे अल्फाज हैं। मतलब होता क्या है कि एक चीज़ जब चल पड़ती है तो धीरे धीरे फिर उसका कोई एक कॉन्सेप्ट बनने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ एक मखसूस चीज़ समझ लें, बस मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों से इसे याद किया जाता है। उसकी बुनियाद क्या है मैं उसको आगे बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैंने आयत पेश की है उसमें ये बात बताई है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए, कमा कुतिबा अललदीन मिन क़ब्लिकुम जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी रमज़ान किस लिए तुम पे फ़र्ज किया गया है और किस लिए तुम पर फ़र्ज किया गया था, उसकी वजह यह है कि तुम्हारे अंदर तकवा आए। तकवा लाने के लिए, तकवा पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ आमाल बताए हैं। पांच वक्त की नमाज तकवा पैदा करती है, रोज़ाना की तिलावत तकवा पैदा करती है, हज करते हैं तकवा आता है, उम्रा करते हैं
तकवा आता है। दीनी मजलिस में बैठते हैं, तकवा आता है। कुरान का दर्स सुनते हैं, तकवा आता है। दीन की बात करते और सुनते हैं, तकवा आता है। तो तकवा पैदा करने के बहुत सारे ज़राए अल्लाह तबारक व तआला ने बताए हैं और रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया भी, हदीसों के ज़रिया भी बताए हैं। लेकिन तकवा का एक ख़ास मौसम भी अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, तो उस ख़ास मौसम की बात की जा रही है, वो उन ख़ास हालात की बात की जा रही है कि जो ख़ास हालात, ख़ास मौका, ख़ास मौसम अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया हुआ है इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर उसकी मदद से तकवा आए। अब आइए थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कैसे तकवा आता है। उसके लिए आप ये पहले जान लें कि इंसान के अंदर तीन कुव्वतें हैं, या इंसान की तीन ख्वाहिशात हैं, या उसकी तीन ज़रूरियात हैं। उससे पहले भी आप ये बात जान लें कि जो रूहानी बीमारियां हैं, जो दिल की बीमारियां हैं, जो जहन की बीमारियां हैं, उनकी बुनियाद दो है। एक है शुबहात और एक है शहवात। जब इंसान किसी को भी सुनना शुरू कर देता है बगैर आलिम की रहनुमाई के, कुछ भी पढ़ने लगता है, तो देखिए पढ़ने की चीज़ तो बहुत ज़्यादा इस कायनात में भरी हुई है, सुनने की चीज़ें तो आप नेट पे चले जाइए तो पता नहीं कितने खरबा खरब सुनने की चीज़ें मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है आप कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो उससे शुबा पैदा हो सकता है, होता है। आप किसी की बात मुसलसल सुनते रहिए, किसी के बारे में, किसी शख्स के बारे में आपको रोज़ वो पाँच मिनट कुछ बताए, जब मुलाकात हो उसकी कोई ऐब, कोई बुराई, कोई खामी, और आप उस शख्स से ना मिल सकें या किसी और की रहनुमाई ना हो, तो आपको शुबा होने लगेगा। तो एक रूह की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों में एक बीमारी है शुबहात की, और रूह की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में एक बीमारी है शहवात की, ख्वाहिशात। इंसान का मन बहुत सारी चीज़ों को चाहता है, इंसान की ख्वाहिश बहुत सारी चीज़ों की होती है। तो इन दो ज़रियों को शैतान पकड़ता है, शुबा वाले ज़रिए को जो वसवसा में होता है उसको, और शहवत। इंसान के बारे में शैतान जानता है कि उसकी ख्वाहिशात हैं, तो उनके ख्वाहिशात की डोर पर चढ़ कर आता है। वो ख्वाहिशात की जो रस्सी होती है, उसी रस्सी से लटक करके वो इंसान के दिल में उतरता है। इंसान की आंखों की जो ख्वाहिश होती है, उस ख्वाहिश के जरिए वो इंसान के अंदर आता है। इंसान की जबान की जो ख्वाहिश है, इंसान के कानों की जो ख्वाहिश है, इंसान के हवास और महसूसात और उसके बदन में जो टच है, जो मस है, जो एक छूने का एहसास है, उन तमाम चीज़ों के जरिए शैतान इंसान के अंदर आता है। तो इंसान की दो रूहानी बीमारियां हैं शुबहात और शहवात। और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में जो शहवात वाला मामला है उसको कंट्रोल किया जाता है। शहवात को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि मिसाल के तौर पर इंसान की एक ख्वाहिश या इंसान की एक फितरत भी है, उसी से ख्वाहिश भी निकलती है, उसी से फितरत का ताल्लुक भी है, उसी से ज़रूरत का ताल्लुक भी है। वो क्या है कि बकाए नफ्स के लिए खाने का मुतालबा, अल्लाह ने इसके फितरत में रखा हुआ है। बकाए नफ्स के लिए खाने का मुतालबा इस तरह अल्लाह ने रखा है कि देखिए अगर आप पर निर्भर होता, आप पर निर्भर होता कि आपको खाने की अंदर से चाहत ना पैदा हो, तो हो सकता बहुत सारे लोग खाते ही नहीं। इंसान बड़ा गाफिल है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी फितरत में खाने की ख्वाहिश ऐसी डाल दी है, बड़ा से बड़ा अमीर हो, जिसके पास नेमतों और दस्तरखान की भरमार हो, पैसे हो, रुपए हो, बाग हो, बागात हो, तमाम चीज़ें हो, तमाम तरह की खाने पीने पहनने की नेमतें उसको चाहे जितनी मयसर हों, सुबह शाम चारों तरफ उसकी नेमतें लगी रहती हों, लेकिन वो अमीर से अमीर आदमी जब भूख लगती है उसको, तो वो परेशान होता, कहीं मिले तो खाऊं, कहीं मिले तो खाऊं, और अगर एक टाइम दूसरा टाइम हो गया तो शदीद भूख उसको हो जाएगी, और वो खाने के लिए लपकेगा, भाई जल्दी मिले कहाँ खाऊं। ये फितरत अल्लाह ने डाली हुई है। बकाए नफ्स के लिए गिज़ा का मुतालबा, बकाए नस्ल के लिए जिन्स का मुतालबा, जिसे जानवर है, जैसे इंसान है, उसको अगर वो सेहतमंद है तो औरत को मर्द की और मर्द को औरत की ज़रूरत है। ये फितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने रखा हुआ है, क्योंकि
अगर ये चीज ये इंसान की फितरत में ये बात नहीं होती तो इंसान ये बच्चों का बोझ हो सकता नहीं बर्दाश्त करता। हो सकता कुछ लोग कर लेते लेकिन ज्यादातर लोग नहीं बर्दाश्त करते। हो सकता अपनी ख्वाहिश के लिए, किसी दूसरी ख्वाहिश के लिए, लेकिन ये कि बच्चों को पालें और सारी चीज़ें करें तो आम तौर पे इंसान ऐसा नहीं करता। लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर एक ख्वाहिश ऐसी रखी हुई है, और आप देखिए इंसान बहुत सारी कोशिश करता भी है बच्चों को हटाने की, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी ख्वाहिश रखी हुई है उसके अंदर कि वो उसकी मजबूरी है, वो है। इसी तरीके से अपनी हालत की बका के लिए आराम का मुतालबा, फौरन वो थकता है ना तो फौरन चाहता कि सो जाऊं। ये तीन मुतालबात हैं इंसान के अंदर। ये तीनों मुतालबात अगर बैलेंस में ना हो, कंट्रोल में ना हो, तो फिर इंसान हैवान बन जाता है। आप एक बैल है, उस बैल को खूब चरा औरा करके आप पूरा चारा खिला करके पेट दोनों तरफ भरा हुआ है और ले करके आप आइए, एक बार तजर्बा कीजिए। और इस साइड में भी हरी हरी खेतियां हों और इस साइड में भी हरी हरी खेतियां हों, और बैल का पेट भरा हुआ है लेकिन आप उसको लेके आएंगे ना तो वो नहीं भी खाएगा तब भी मुंह मारेगा, ऐसे चप से इधर मारेगा चप से उधर मारेगा, दो चार वो घास जो फसल लगी हुई है खेती ना वो मुंह मारेगा ही, उसकी आदत है मुंह मारने की, क्योंकि हैवान है वो। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कंट्रोल किया है कि ये मुंह तुमको नहीं मारना है। खाने में जानवरों जैसा मामला नहीं रखना है, जिन्स में नरो मादा की जरूरियात में जानवरों जैसा मामला नहीं रखना है, आराम के मामले में जानवरों जैसा मामला नहीं रखना है, इसको कंट्रोल में रखना है। और इसको कंट्रोल करने के लिए एक खास मौसम, एक खास महीना अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान मुबारक का रख दिया है कि खाने के मामले में आप देख लीजिए कुछ चीजें तो हराम है, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल चीजों को भी हराम कर दिया है, एक खास टाइम के लिए, एक खास वक्त के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल को भी हराम कर दिया है ताकि आपके अंदर वो कंट्रोलिंग पैदा हो। सामने एक तरबियत लीजिए बच्चों को भी, मैं इसलिए कहा करता हूं कि बच्चा रोजा से नहीं है लेकिन इफ्तारी के वक्त उसको पकड़ा मत दिया कीजिए ले तू खा, नहीं। तरबियत के लिए पहली तरबियत, किसी बच्चे को रोजा रखवाने का पहला स्टेप यह है कि जब आप इफ्तारी का दस्तरखान लगे तो बच्चे को खाने ना दें। बड़ा अभी आजान होगी तो खाते हैं, अभी इतना बजेगा तो शुरू करते हैं, रोजे की पहली तरबियत उसकी है। आप उसको खाने मत दें ताकि एक भूखा मोमिन उसको इस बात की तरबियत हो कि अंदर कितनी भूख लगी है, अंदर कितनी आग लगी है, अंदर कितनी जरूरत है, अंदर ख्वाहिशात का कैसा समंदर है, लेकिन ईमान की ताकत ऐसी है, कुरान की तरबियत ऐसी है, सैयदना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के जरिया उसके अंदर तहजीब की ऐसी ताकत है कि वो खाने की तरफ हाथ बढ़ा नहीं सकता, चाहे जिस अमीर का दस्तरखान हो, दुनिया की कीमती से कीमती नेमत उसके सामने मौजूद है, ऐसे फल मौजूद हैं जिनको वो अखबारों में पढ़ा करता था, नाविलों में पढ़ा करता था, सुना करता था लोगों की जबानी कि फला फल बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है, उसके ये फवायद हैं वो सुना करता था, आज उसकी दस्तरखान पे मौजूद है। गरीब आदमी है, उसकी इस्तेताअत से बाहर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कुरान और रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने उसकी जबान में वो तहजीब पैदा की है, उसके हाथों में वो कुव्वत पैदा किया है, उसकी निगाहों में वो हया डाल दी है कि वो अपना हाथ नहीं बढ़ा सकता जब तक अजान ना हो जाए। ये तरबियत अपने बच्चों को देनी है। इस तरबियत के लिए रमजान मुबारक का महीना है कि जैसे भी हालात हो जाएं, अहले ईमान पे हालात इकसा नहीं है, रमजान में बहुत सारी तरबियत मौजूद है, बहुत सारी तरबियत मौजूद है, हालात इकसा नहीं होते हैं, इंसान के जान का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, कारोबार में गड़बड़ी आती है, घरों में परेशानियां आती हैं, इंसान मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के जरिए तरबियत दी है कि इन मुख्तलिफ मराहल में मोमिनाना शान के साथ जी सको और रह सको। तो ये इन मुतालबात को कंट्रोल में करना है मुख्तसर में। दूसरा पॉइंट कि माहौल अल्लाह ने ऐसा बना दिया ना, मौसम हर आदमी रोजा रखे हुए है, तिलावत की बात चल रही है, दीन की, अच्छा इस मौसम में आप एक एक, एक बार आपको कजा रोजा रखना हो तो कितना मुश्किल होता है, वो घर भर को पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा नहीं, कोई उठना नहीं ना, मैं उठ जाऊंगा, वो खजूर रख देना ना, मैं वो खा लूंगा, वो दूध रख देना, मैं उतना कर लूंगा, भी कौन जाए जगाने, कितना मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह ने ये महीना कैसा कर दिया है कि ऑटोमेटिक सब कुछ आसान है, सारा मामला आसान है आपके लिए। और भूख, ये भूख ना
ये खुद इंसान की बहुत सारी गंदगी को हटाती है। इंसान जब मुसलसल खाता है यार, खाया जाता है तो ये मुसलसल खाए जाना भी इंसान की रूह को गदला कर देता है। मुसलसल खाए जाना, कभी भूख से दो चार ना होना, जो लोग सुबह शाम खाते रहते ना दिन रात, उनके देखिए कि उनकी तबीयत कैसी मुर्दा हो जाती है, भूख से तबीयत निखरती है। एक बार भूखा रह के देखिए, आप जब भूखे होते हैं ना तो बदन में एक चुस्ती, बदन में एक चुस्ती महसूस करते हैं। जब आपको भूख लगती है तो बदन में एक खास किस्म की चुस्ती, एक खास किस्म का हल्कापन महसूस करते हैं, और जब खाते हैं तो ऐसा ढीला होते हैं। तो ये मुसलसल जब आप बगैर भूख के खाना, कभी भी खाना, कुछ भी खाना, जैसे खाना तैसे खाना, तो ये मुसलसल खाने से भी कसाफत आती है। दुनिया है ना, दुनिया नॉर्मल तरीके से भी कसाफत डालती है, यानी नॉर्मल आप कमाई कर रहे हैं, हराम नहीं कर रहे हैं, हलाल नॉर्मल आप खा रहे हैं, हलाल खा रहे हैं, लेकिन जब दुनिया में आदमी व्यस्त होता है तो वो दुनिया का भी अपना एक असर होता है। तो भूख जो आती है ना, वो भूख खुद बजाते खुद भी उसके अंदर एक सलाहियत है कि हमको चमकाए। ईमान वाली भूख, ईमान के साथ भूख, कुरान हदीस की रोशनी में भूख, वो हमको चमका देती है। इसलिए भी रमजान जरूरी है। अब रमजान की आमद पर रसूल गिरामी सल, यही है इस्तकबाल उसका। क्या इस्तकबाल है कि जब रमजान आने को था, जैसे आज तकरीर हो रही है खुतबे जुमा में, ऐसे ही जब रमजान करीब हो जाता तो अल्लाह के रसूल सहाबा को बताते, भाई देखिए रमजान आने वाला है। यही है इस्तकबाल रमजान, भाई रमजान आने वाला है। अब हमारा काम क्या है, भाई रमजान आने वाला है तो जरा सा अपना टाइम टेबल सेट कर लेना है, क्योंकि रमजान आ रहा है भाई। और रमजान आ रहा है तो अब हमारी गुफ्तगू में ये बात होनी चाहिए कि भाई रमजान आ रहा है और खुशी से होना चाहिए। कुछ लोगों को टेंशन हो जाता है, अरे इस बार गर्मी में आ रहा है बड़ा मसला होगा। तो ऐसा नहीं, खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, बाहयात तो एक और मौका तो मिला, तो खुशी से। जैसे हम बताते हैं ना कि वो प्रोग्राम होने वाला है, हम बताते हैं फलां लीडर आने वाला है, हम बताते हैं अरे वो पेंशन की रकम आने वाली है, हम बताते हैं वो तनख्वाह आने वाली है, हम बताते हैं वो बजट पास होने वाला है। ये सारी जो खुशी की बातें होती हैं, ऐसे ही हम आपस में शेयर करते हैं, हमारी गुफ्तगू का मौजू बन जाती हैं बातें। कोई खुशी की खबर होती है ना तो पूरे मोहल्ले में वो खबर, फला की शादी होने वाली है, पूरे खानदान में चलने लगता है। अच्छा वो फला के बेटे की शादी, अच्छा फला तारीख को, हाँ फला तारीख को, वो पूरे खानदान में एक मौजू बन गया ना, अकीका है, मौजू बन गया खानदान में, घर में जो भी एक सर्कल है। तो ऐसे ही जब रमजान आ रहा है ना तो पूरा मुसलमानों का, ईमान वालों का पूरा सर्कल है, तो पूरे ईमान वालों में ये मौजू बन जाना चाहिए, भाई रमजान आ रहा है। ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में, काकद जाकुम रमजान, ईमान वालों रमजान आ रहा है, शहर मुबारक, मुबारक महीना है, कतब अल्लाहु अलैकुम सियामहु फी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रोजे फर्ज किए हैं, तुफ्तहु अबवाबुल जन्नत, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते, वो तुगल्लकु फीही अबवाबुल जहीम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वो तुगल्लु फीही शयातीन, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिम, इसमें देखो एक रात बड़ी गजब की है, एक रात बड़ी गजब की है, ओ ऐसी रात है ना कि हजार महीने से बेहतर है, और उस रात से जो महरूम हो गया तो है ही बदकिस्मत, है ही बदकिस्मत। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान जब आने को होता तो अपने सहाबा से ये गुफ्तगू करते थे। वो नकल होके हम तक चला आया, मालूम क्या हुआ, मालूम ये हुआ कि रमजान की आमद से पहले हमारे अपने ईमान वाले सर्कल में, ईमानी भाइयों में रमजान एक पैकेज के तौर पे गुफ्तगू का मौजू हो जाना चाहिए, खबर एक दूसरे को होनी चाहिए, और उसमें सेटिंग चलनी चाहिए कि भाई हाँ ऐसा करना। अब ये भी बात चलनी चाहिए ना कि इससे पहले मैंने कुरान तो दो ही बार खत्म किया था, इंशाल्लाह इस बार तीन बार खत्म करना, ये सब बातें होनी शुरू हो जानी चाहिए। इससे पहले क्या हुआ था ना कि तरावी पूरी अच्छे से हो नहीं पाई थी, अब कि ऐसा क्या करना है कि तरावी अच्छे से होनी है। इससे पहले ऐसा हो गया था कि बाकायदा दर्स में शिरकत नहीं हो पाई थी, ऐसा सिस्टम हो गया था, इंशाल्लाह आपकी कुछ दूसरी सेटिंग लगाता हूँ, हो सकता है कि कंटिन्यू रहे। ये तरह की बात हो जानी चाहिए और ये तरह की गुफ्तगू हो जानी चाहिए, तो कुछ पता चलता कि भाई ईमान वाले रमजान की आमद से खुश हो रहे हैं, और खुशी की कोख से दुआ निकलती, भाई खुशी की कोख से दुआ निकलती है, दुआ की कोख से खुशी होती है। तो सलफ इसीलिए दुआ करते, अल्लाह रमजान आ जाए, अल्लाह रमजान आ जाए, क्योंकि भाई एक खास माहौल, एक कम वक्त में, कम अमल में ज्यादा अजर का मामला है, तो इसलिए दुआ भी। अच्छा नीयत, नीयत बहुत जरूरी है।
लोग सोचते हैं ना कि अरे पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहले नीयत तो सच्ची करो। इस मैंने यहाँ यहीं पे कई बार ये बात कही है माल पर गुफ्तगू करते हुए, ज़कात पर गुफ्तगू करते हुए, कि कोई काम हमारे सिक्के से नहीं होता है, हमारे पैसे से नहीं होता है। अगर हमारे इसमें पैसे का दखल होता तो सहाबे किराम अपनी गुर्बत की वजह से इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाते। सहाबे किराम मदीना से गए थे, लूटे पिटे थे, उनके पास पहनने को नहीं थे, उनके उनकी जायदाद छूटी थी, उनकी ज़मीनें छूटी थी, उनका खानदान सब कुछ छूट गया था। और मदीने में जो लोग थे वो किसान गरीब आदमी, आधा आधा तकसीम हो गया मामला, इनको भी संभालना खुद को भी संभालना, तो गरीब लोग थे। लेकिन उसी गुर्बत में मस्जिद बनाई, उसी गुर्बत में सरहद का इंतजाम हुआ, उसी गुर्बत में जंग हुई, उसी गुर्बत में मुसलमानों की जान माल और उनकी आबरू की हिफाजत का काम हुआ, उसी गुर्बत के आलम में बेवाओं का इंतजाम हुआ, उसी गुर्बत में उन्हीं गरीबों ने अपने अंदर के यतीमों का इंतजाम किया, उन्हीं गरीबों ने अपने अंदर के बीमारों का इंतजाम किया, उन्हीं गरीबों ने अपने अंदर के परेशान हालों का इंतजाम किया। तो काम तुम्हारे पैसे से नहीं होगा, काम तुम्हारी नीयतों से होगा, कि एक सिक्के के पीछे एक करोड़ की जो नीयत, वो सिद्दीक वाली नीयत, वो फारूक वाली नीयत, वो उन गरीब सहाबा नियत जो मुट्ठी भर खजूर लेकर के दरबारे रिसालत की तरफ चलते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं काली खजूरों को सामानों के ढेर के ऊपर फेर दिया था, ये बताने के लिए कि ये काली खजूरें नहीं, ये इनके दिलों के दिए हैं जो ईमान की बस्ती को रोशन कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, नीयत होनी चाहिए। नीयत आपकी है तो अल्लाह ताला तौफीक भी इंशाल्लाह दे। इन्नमल आमालु बिन्नियत। अब नीयत के बहुत सारे मसाले, तो मैं नीयत के मौजूद भी तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज़िमनन एक बात बता रहा हूं कि नीयत होनी चाहिए। नीयत कीजिए मेरे भाई, नीयत आज आपने सुना ना, अब नीयत बनाइए। इन्नमा अमालु बिन्नियात, नीयतों पर अमल का दारो मदार। इन्नमा लिकुल इमरी मा नमा, बहुत बड़ी बात है कि हर आदमी के लिए वो है जिस जो उसने नीयत किया, हर आदमी के लिए वो है जो उसने नीयत किया। मैं फिर इसकी मिसाल दे दूं, सिद्दीक अकबर ने जब अपने घर में झाड़ू मार दिया था तो सामान तो थोड़ा था ना, तो मैं बार बार ये बात कहा करता हूं, सामान तो सिद्दीक अकबर का थोड़ा था ना, फारूक आजम का सामान ज्यादा था, और लोगों का भी सामान ज्यादा रहा होगा, सिद्दीक अकबर का सामान कम था, लेकिन नीयत, नीयत पूरी कायनात गिर थी। नीयत ये थी कि आज इन सख्त हालात में अगर सिद्दीक अकबर के घर में, मैं कहा करता हूं कि सिद्दीक अकबर के अगर इख्तियार में आज समुंदर का एक एक कतरा होता, आसमान के सारे सितारे होते, कायनात के सारे दरख्त होते, तो सबको अपने हाथों में समेट कर सूरज चांद को नोच कर और जमीनों के सारे समुंदरों का पानी उठा करके दरबार रिसालत में डाल देते। यह नीयत थी। इस नीयत की वजह से सिद्दीक अकबर का दर्जा सामान थोड़ा होने के बावजूद सबसे ऊपर हो गया। तो नीयत अगर रहेगी तो सब मिलेगा। अब नीयत आज बना लेते हैं हम लोग, कभी रमजान में इंशाल्लाह अपने आप को बदलना है, अभी से बदलना और रमजान में मुकम्मल बदलना है। नीयत बना लेते हैं, नमाज की जो आदत गड़बड़ हो गई है ठीक कर लेना है। नीयत बनानी है कि कुरान तिलावत कम हो पाई है, अभी से कुरान की तिलावत की आदत बना लेनी है और इतना कुरान तिलावत करना है, तो अभी से नीयत बना ले, उसके सपने देखें। मैं देखे ना, बच्चा छोटा सा होता ना, उसकी शादी के सपने अभी से देखने शुरू हो जाते हैं ना। अभी अभी खुद ही शादियों लायक हैं आप, है ना, अभी खुद भी शादियों के लायक हैं, लेकिन आप बेटे की शादी के सपने अभी से देख रहे हैं। तो सपने देखो, रमजान के आने से पहले तरावी के सपने देखो, रमजान की आमद से पहले तिलावत के सपने देखो, रमजान की आमद से पहले दुआओं के सपने देखो, उन्हीं में जियो, उन्हीं बातों को सोचो, उसी की नीयत बनाओ, उसी का जज्बा बनाओ। जैसे एक माँ अपने बेटे की आमद के लिए जज्बा बनाती है, जैसे एक बीवी अपने शौहर की आमद के लिए जज्बा बनाती है, जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए जज्बा बनाता है, जैसे एक गरीब शख्स अपने दिल में एक मकान का सपना लेकर के फिर मिट्टी में चले जाता है, कैसा सपना होता है वो, कैसा कैसे ख्यालात होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं वो ख्यालात, उन्हीं सफर तो इंसान जीता है। वैसे ख्यालात बनाइए, वैसी नीयतें बनाइए, अल्लाह तबारक व तआला उन नीयतें हमारी ज़रूर पूरा करेगा। और अगर इत्तेफाक से पूरी नहीं हुई, नीयत पक्की है, इत्तेफाक से पूरी नहीं हुई, तो अल्लाह ताला वो सब दे देगा। यही तो उसका करम है, यही तो उसका करम है, और उसको मिलता भी यही है, हमारी नीयतें ही उसको मिलती हैं, यही उसका करम है, हमारे जज्बे ही उसको मिलते हैं, यही उसका करम है। कहा अल्लाह के रसूल ने
सही उल जामे की रिवायत है, कहते हैं कि एक आदमी अपने बिस्तर पे आया और उसने इरादा किया कि वो रात में उठ के नमाज पढ़ेगा, पक्का इरादा है, सो रहा ना, उठना है किसी तरह से उठना है। अब वो अलार्म लगाया, जो भी लगाया, जैसे भी नहीं उठ सका, वो उसने उठने की पूरी नीयत की है मगर नहीं उठ सका, सुबह हो गई, तो कहते हैं अल्लाह ताला उसके लिए वो लिखता है जो उसने नीयत की थी, और अल्लाह की तरफ से उसकी नीयत सदका, गिफ्ट, नींद गिफ्ट, और क़यामुल लैल का अजर उसके लिए लिखा गया क्योंकि उसने नीयत की थी। तो मेरे भाई नीयत कर लो, नीयत पक्की बना लो, किसी वजह से अगर चार कुरान नहीं खत्म हुआ ना, दो ही खत्म हुआ तो दो का अल्लाह गिफ्ट दे देगा, दो का अल्लाह, ये नीयत का फायदा है। इसी तरीके से मैं बात खत्म करूं, और अल्लाह के रसूल क्या करते थे, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसी की रिवायत है कि माह शाबान में कसरत से रोजे रखते थे। तो ठीक है, अपने जिस्म के इस एतबार से, अपनी हालत के एतबार से आप शाबान के महीने में रोजा रखें, लास्ट में बिल्कुल ना रखें, अभी है मौका, अभी इधर रखें, बिल्कुल लास्ट में नहीं, तो जितना रख सकें, यानी इतना भी ना रखें कि आपको रमजान में कमजोरी हो जाए, लेकिन जितना अपनी ताकत के लिहाज से रख सकें, यह एक रमजान की तैयारी में दाखिल है, शाबान महीने का रोजा रखना। इस माह में बतौर खास आमाल ऊपर पहुंचाए जाते हैं, तो इस वजह से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे। तो रोजे रखना और दीगर इबादतें करना, ये शाबान के महीने में एक तरह से रमजान की तैयारी है, और यही उसका इस्तकबाल भी है, अगर इस्तकबाल का लफ्ज़ दुरुस्त हो तो। इसी तरीके से तब्दीली का अहद करना, देखिए तब्दीली का अहद, ऐसा मैंने नीयत की बात की ना, आदमी नीयत पक्का कर, पक्की करता है लेकिन फिर नहीं कर सका, अल्लाह माफ करेगा, लेकिन नीयत पक्की, जैसे एक बच्चा है ना, अभी पक्का बोल रहा है कि नहीं अभी जाके मेहनत से पढ़ूंगा, गया मेहनत से पढ़ा, लेकिन वो जैसा बोला था ना वैसा नहीं हो पाया, फिर दूसरा साल नहीं, अब की साल ना और मेहनत, नेट का इम्तिहान चलता ना, कैसा होता है, अब निकाल लेना है, इस बार नहीं निकल पाए, ओ अच्छा ये करना ना, अभी ऐसा करना है, दूसरे साल निकालेंगे, तो फिर मेहनत करते हैं, फिर दूसरे साल कोशिश करते हैं। ऐसे ही ना तब्दीली का अहद, नीयत का पक्का, नीयत पक्की होनी चाहिए, पक्की नीयत कीजिए कि इस बार अपने आप को बदल लेना, नहीं बदल पाए ना कोई बात नहीं, फिर नीयत करेंगे, फिर नीयत करेंगे। ऐसे आप नीयतें कीजिए और तब्दीली का अहद कीजिए इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ कीजिए। देखिए दुआ क्या सिखाई अल्लाह ने, रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रब्बी आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिका, अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने जिक्र पर, अपने शुक्र पर, अपनी प्यारी इबादत पर, इलाही मैं तेरी इबादत तुझी से मांगता हूँ, इलाही तेरा जिक्र तुझी से मांगता हूँ, इलाही तेरी तारीफ तुझी से मांगता हूँ, इलाही वो प्यारी जबान दे दे जो तेरे जिक्र में हमेशा तर रहे, इलाही वो प्यारे हाथ दे दे, इन हाथों में वो कुव्वत दे दे तेरे सामने सजदे में झुकें, इस पेशानी में वो पावर वो नूर दे दे मौला कि तेरी इबादत की एक लज्जत मेरी पेशानी महसूस करे, मेरी आंखों में तेरी इबादत की लज्जत उतरे, मेरे सीने पर तेरी इबादत का नूर उतरे, अंताबुदल्लाह का नकतरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, कि ऐसे इबादत कर जैसे तू रब को देख रहा है, और अगर ऐसा ना हो सके तो ऐसा सोच मेरी आवाज मेरे रब तक पहुंच रही है, मेरे हाथों की एक एक जुम्बिश को मेरा परवरदिगार मुझे पैदा करने वाला, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा करीम मुझको देख रहा है, ऐसे जज्बे के साथ इबादत होनी चाहिए। तो तब्दीली का अहद कीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह से कि परवरदिगार तू नहीं बदलेगा तो मैं नहीं बदल पाऊंगा, मेरे पास बदलने की ताकत नहीं, मैं गुनहगार आदमी, सियाकार आदमी, दिलों में इतनी गंदगी भरी है, दिमाग में इतने वसवसे भरे हैं रब, और चारों तरफ शहवात के और ख्वाहिशात के और लालच के इतने घेरे पड़े हैं, परवरदिगार तू नहीं बचाएगा तो मैं नहीं बच सकता, तू नहीं चलाएगा मेरे पैरों को, अगर तूने अपने कर्म की बारिश से बूंद नहीं दिया अल्लाह, फिर मैं आग की तरफ चले जाऊंगा, अल्लाह तू मुझे ताकत दे दे, अपने रब से अपने पैरों की ताकत मांगिए, अपने रब से तिलावत की ताकत मांगिए, अपने रब से इबादत की ताकत मांगिए, आप चाहे इबादत कर ले, नहीं हो सकता भाई, दिल देखिए ना, जब दिल लगता है तो काम होता है, दिल नहीं लगता है काम नहीं होता है, वही दिल की ताकत रब ही से मांगिए, वही देगा, और मेहनत कीजिए, तब्दीली का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, बहुत अजीम हदीस है, रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शकिया अब्दुन अजरा का रमजान
فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ شَقِي عَبْدٌ بدقسمت ہے وہ بندہ, بدنصیب ہے, بدبخت ہے وہ بندہ. ادرک رمضانہ, رمضان جیسا مہینہ پایا. کیسا مہینہ, ہاں فرض کا اجر اتنا, نفل کا درجہ اتنا, تلاوت کا درجہ اتنا, ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کا درجہ اتنا, ایک رات جاگنا اور اس میں عبادت کرنا ہزار مہینے کے برابر, ہزار مہینے کے برابر. تو ایسا ماحول, تو کہا اجرک رمضانہ, رمضان کا مہینہ پایا. فن سلخ منہ, اور وہ مہینہ گزر گیا. ولم یغفر لہ, اور اس کی بخشش نہیں ہوئی. مطلب اتنا پاگل انسان نہیں ہو سکتا ہے, اتنا بدنصیب انسان نہیں ہو سکتا. مطلب اس کی مثال اگر سمجھانے کے لیے میں یہ کہوں تو آپ ایسے کہیے کہ ایک بچے کو امتحان حال میں پیپر کے ساتھ گائیڈ بھی دے دی گئی, گائیڈ بھی دے دی گئی, کتاب بھی دے دی گئی, اس پرچے کے جوابات اتنی موٹے تھے وہ بھی دے دیے گئے, ایک ٹیچر بھی کھڑا ہو گیا اس کو نقل کرانے کے لیے. مگر جانتے ہیں نا آپ کتنے لوگ اتنے بودے ہوتے ہیں کہ نقل بھی نہیں کر پاتے. تو کہا ایسے ہی وہ شخص ہے, وہ اتنے ہی بدنصیب ہے کہ رمضان جیسا اتنا اتنا آپشن ہے اس میں مغفرت کا, ہر طرف بخشش, ہر طرف بخشش. ارے یہاں زمین چھوڑو, آسمانوں پہ اس کا کتنا اہتمام ہے, جبکہ آسمان والوں پہ روزہ فرض نہیں ہے. مکلف اس روزے کے ہم ہیں, لیکن آسمانوں پہ کتنا اہتمام ہے, فرشتے اتر رہے ہیں, پورا ماحول ہے, جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں, جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں, اور کتنا اہتمام ہے. نیچے سے اوپر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کی فضا کے لیے, ماحول کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے, کیسے کیسے اجر و ثواب کے دروازے کھول دیے ہیں. اس کے بعد بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہو تو گویا ہم بڑے بدنصیب ہیں. اس لیے میرے بھائی کیا کرنا ہے ہم کو, ہم کو کرنا ہے کہ رمضان کے لیے پروگرامنگ کیجئے سب کو. اچھا ایک بات اور ہے, مجھے کوئی ضروری نہیں کہ میں ہی آپ کو نصیحت, مولانا صاحب دیکھیے نصیحت کی ضرورت تو سب کو ہوتی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, بھائی مل کے کرنے کا کام ہے, یہ مل کے کرنے کا کام ہے, دین کا کام ہے مل کے کرنے. آپ ہم کو کہیں, ہم آپ کو کہیں, ہم آپ ہم کو یاد دلائیں اور ہم آپ کو یاد دلائیں, یہ اس طریقے سے دین کا کام ہوگا. تو پروگرامنگ کیجئے. پروگرامنگ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی رمضان میں کیسے قرآن پڑھنا ہے, کیسے تراویح پڑھنا ہے, کیسے بچوں کو سیٹ اپ کرنا ہے, کیسے فلاں فلاں چیز کرنی ہے, اور عبادت کا پورا ماحول کیسے گھر میں رکھنا ہے, اور کیسے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے اس ٹائم سے, اس ایک مہینے سے پورا فائدہ اٹھانا ہے, کیسے اٹھانا ہے, کیا سسٹم رکھنا ہے. وہ ابھی سے دیکھیے کپڑے کی تیاری لوگ ابھی سے کرتے ہیں, یار اصل تو کپڑا تھوڑی ہے. کھانے کی تیاری, افطاری کی تیاری ابھی سے ہے, ساری تیاری ابھی سے ہے, لیکن جو اصل تیاری ہے نا, ذہن, دماغ, دل اور عبادت کے لیے ٹائم, وہ تیاری ہم نہیں کر رہے, وہ تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو, آپ کو, سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.